हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न की यह शानदार रेसिपी। बारिश के मौसम में क्रिस्पी कॉर्न खाने का मज़ा ही कुछ और है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए बिना कोई देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अमेरिकन भुट्टे जो कि वज़न में लगभग 600 ग्राम है। अब सबसे पहले हमें इनके छिलके उतार लेने हैं। आपको यहाँ पर अमेरिकन भुट्टे ही लेने हैं, देसी भुट्टे नहीं लेने हैं। ये देखिए मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं। अब सबसे पहले हम इन्हें इनके दाने निकाल लेंगे और दाने निकालने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको भुट्टे के अंदर एक लाइन बनानी होती है और लाइन बनाने के लिए आप नाइफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर चम्मच को उल्टा करके उसके पीछे वाली नोक से भी एक लाइन बना सकते हैं। इस तरह से एक लाइन बनाने का रीज़न ये है कि आप इस लाइन निकालने के बाद बहुत ही आसानी से भुट्टे के सारे दाने निकाल पाएंगे। ये देखिए पहले बहुत ही केयरफुली आपको इस तरह से एक लाइन निकाल लेनी है, दाने निकाल लेने हैं ताकि आपके पास अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा बाकी दाने निकालने के लिए। ये देखिए इसके बाद आप बहुत ही ईजीली भुट्टे के सारे दाने निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे भुट्टे के दाने निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमें पानी गर्म होने के लिए रख देना है। यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें लगभग 2 से 3 ग्लास के करीब पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। आप यहाँ पर बर्तन थोड़ा सा बड़ा ही लें क्योंकि जब आपके कॉर्न बॉयल होंगे तब तो आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। ये देखिए पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है और आपको भी इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब तक पानी में उबाल ना आए तब तक आपको इन कॉर्न को पानी के अंदर नहीं डालना है उबलने के लिए। पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आने के बाद ही आप कॉर्न को डालें, इससे कि आपके कॉर्न बहुत ही अच्छे फूले फूले और रसीले हो जाएंगे उबाल आने के बाद डालेंगे तब। ये देखिए 3 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं हमारे कॉर्न कितने अच्छे से बॉयल हो गए क्योंकि हमने पहले ही उबलते हुए पानी के अंदर कॉर्न को डाला था। हमें 5 मिनट के लिए इन कॉर्न को बॉयल करना है। 5 मिनट के अंदर ही हमारे कॉर्न जो है बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट में आप देख सकते हैं हमारे कॉर्न का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा डार्कनेस ही दिखने लगेगी आपको। बस हम अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फटाफट से इसे स्टैंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको एक स्ट्रेनर लेना है, कोई भी छलनी लेनी है, उसके बाद इस तरह से इसके पानी से इसे सेपरेट करना है। मुश्किल से 1 मिनट के लिए या फिर कुछ सेकेंड्स के लिए आप इसको ठंडा होने दें। ये देखिए पानी को मैंने फेंक दिया है और इस तरह से हमारे दाने जो है थोड़े से ठंडे हो जाएं, उसके बाद ही आप इसे किसी अलग बॉल में ट्रांसफ़र करें। 1 मिनट बाद ही मैंने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र किया है। ये देखिए इस तरह से आपको सारे दानों को एक बड़े से बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। ये बॉल मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसलिए मैं इसे दूसरे वाले बॉल में ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि हमें इसके अंदर अभी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को भी मिक्स करना है और इसके अंदर स्पेस भी नहीं दिख रहा है। ज़्यादा बर्तन को ख़राब ना करते हुए हम उसी बर्तन के अंदर इसको डालेंगे जिसके अंदर अभी हमने पानी सेपरेट किया था इन कॉर्न का, जिसको मैंने फेंक दिया था और बर्तन को धो लिया। ये देखिए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले ये कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से आपके कॉर्न जो है काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा, 1/2 चम्मच नमक। अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इनकी कोटिंग करनी है हमें। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके कॉर्न के ऊपर बहुत ही अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। अगर इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं होती, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी इंग्रेडिएंट्स कम लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोटिंग बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी टिप है। ये देखिए इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से इन इंग्रेडिएंट्स के साथ कोट कर लेना है कॉर्न को। एक एक दाना खिला हुआ होना चाहिए। अब जब मैं इन सबको मिक्स कर रही थी उस टाइम पर मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप कढ़ाई गहरी ही लें क्योंकि जब आपके कॉर्न बॉयल होंगे तब आपका तेल जो है उछल कर ऊपर आ सकता है, इसीलिए अब आपको तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म होने देना है। और जब आप इन कॉर्न को कढ़ाई के अंदर डालते हैं उस टाइम पर आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है और उसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कॉर्न आप डालें।
और यहाँ पर मेरे पास कॉर्न ज़्यादा थे, इसीलिए मैं दो बेस में इसे फ्राई करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर हाफ कॉर्न इसके अंदर डाल दिए हैं। अब जब ये फ्राई हो रहे हों उस टाइम पर आप गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखें, ना तो आपको गैस का फ्लेम हाई करना है और ना ही लो। अगर आपको लगे कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर तेल के छींटे जो है ऊपर आ रहे हैं आपके मुंह के ऊपर आ सकते हैं, तो इस तरह से ढक्कन आप कढ़ाई के आगे या फिर अपने मुंह के आगे की साइड इस तरह से रख सकते हैं ताकि ऑयल के छींटे एकाएक आपके ऊपर ना आए। जब आप कोई भी चीज़ इस तरह से डीप फ्राई करते हैं, चाहे वो मटर हो या फिर कॉर्न, इस तरह से ढक्कन आप हमेशा अपने साथ रखें क्योंकि ऑयल किसी भी वक्त उछल कर आपके ऊपर आ सकता है। इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको कॉर्न और मटर को फ्राई करने का काम करना होता है। ये देखिए हमारे कॉर्न जो है क्रिस्पी हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसे फ्राई किया है। डीप फ्राई करना होता है हमें कॉर्न को, इस तरह से चलाते हुए बस अब इसे निकाल लेंगे। हमारे कॉर्न अच्छे खासे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर वाइट ब्लैंक पेपर बिछा दिया है, आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, उसके ऊपर इन कॉर्न को हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, अब जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बाकी के बचे हुए कॉर्न भी हम सेकंड बेंच में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि तेल उछल रहा है या फिर भुट्टे के दाने उछल कर आपके ऊपर आ रहे हैं, तो आप इस तरह से जारे को उल्टा रख दें, इस तरह से हाथ में पकड़े हुए, बिल्कुल छोड़े ना जारे को, हाथ में पकड़ते हुए इस तरह से इसको थोड़ा उल्टा पकड़ के खड़े रहें, इससे कि कॉर्न जो है उछल कर आपके ऊपर नहीं आएंगे। ये देखिए मैंने सारे कॉर्न को फ्राई कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, क्योंकि हमने नमक बॉईल करने से पहले भी इसमें ऐड किया था, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, मैंने यहाँ पर एवरेज का चाट मसाला लिया है, आपकी जो मर्जी आप जो चाट मसाला पाउडर ले सकते हैं। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। नींबू कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नींबू आप इसके अंदर नहीं डालें वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू निचोड़ दें और फटाफट से इसे मिक्स कर लें। आपके क्रिस्पी कॉर्न खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे स्टोर बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाएंगे। फटाफट से इसे सर्व करेंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।